सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज भाग एक का पाठ चार, सांवले सपनों की याद। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में बिहार में नालंदा जिला के एक छोटे से गांव नौनही राजगीर नामक स्थान पे हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ग्रामीण विद्यालय से ही प्राप्त हुई। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक के पद पर ये कार्यरत रहे। इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन बड़ी सक्रियता के साथ तय किए। सन 1995 में ये बिहार विधानसभा के सभापति भी रह चुके हैं। इनकी साहित्यिक रचनाओं में से कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध रचना निम्न प्रकार है। डोला बीबी की मजार, जो आगे है अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी आदि इनकी प्रमुख रचना है। इनकी साहित्यिक भाषा शैली में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। ये आम आदमियों की संघर्ष भरे जीवन को अपने साहित्यिक विषय वस्तु बनाकर प्रस्तुत किए हुए हैं। इनकी डायरियों में संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन चित्रण का काफी चर्चा मिलता है और प्रशंसा भी। इन्होंने डायरी विधा में एक अभिनय प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। यह पाठ इनके डायरी से लिया गया है। यह एक छोटा सा संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है अतीत की खट्टी मीठी यादों को चित्रित करना। तो जाबिर हुसैन जी अपनी साहित्यिक भाषा शैली को बड़े ही भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किए हुए हैं। उनकी भाषा भावों को व्यक्त करने में हमेशा सक्षम रहा है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त किए थे, अर्थात वह सहज ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। भाषा के सम्मिश्रण रूप से वह भाव चंचल नदी की भांति नजर आते हैं। उनकी भाषा बहती हुई नदी के प्रवाह के समान गतिशील है। अभिव्यक्ति शैली भी उनकी सजीवता सा प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ जाबिर हुसैन जी की डायरी शैली से लिया गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक शाली माली की मृत्यु से उत्पन्न दुख हुआ अवसाद को व्यक्त किए हुए हैं। शाली माली ने मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्तित्व चित्रण अंकित किए हुए हैं। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक है। सांवले सपने का अर्थ होता है दुख भरे सपने। मनुष्य अपनी आशा तृष्णा और लोभ मोह को पूरा नहीं कर पाता है तो वह कुंठित हो जाता है। तो ऐसे ही थे सलीम अली। वह अपनी आशाओं को अपनी इच्छा के पूरा नहीं कर सके, क्योंकि वह इस बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसलिए उनकी जो आशाएं थी वह कुंठित हो गया। तो सांवले सपने का अर्थ होता है दुखी सपने, जिसे वह पूरा नहीं कर पाया। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सुनहरे फरिंदे के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपने का एक
हुजूम मौत की खामोशी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहां संभव है। पक्षी वैज्ञानी जो पूरे जीवन भर पक्षियों के अध्ययन करते रहे, परीक्षण करते रहे, वो आज खुद खामोशी के नींद सो गए हैं। मनुष्यों की जनसमूह के साथ साथ वह अग्रसर है, उन्हें कोई भी रोक टोक करने वाले नहीं है, और जब मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें रोक टोक करना भी संभव नहीं हो पाता है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत के गोद में जा बसा है, बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह अपने पक्षी अपने सपने के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब पक्षी वैज्ञानी सलीम अली ऐसी नींद सो चुका है कि उसके चाहने वाला चाहे अपनी जान भी गवाकर उसे वापस ला सकता तो ऐसा भी कर सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। जो मृत्यु सत्य है, जो एक बार चला जाता है, उसके बदले में भी उसकी कीमत कोई चुकाना चाहे, कोई दूसरा प्राण देकर उसे वापस लाना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो ऐसे ही गहरी नींद में सो चुके थे अब पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। और जन हुजूम का अर्थ होता है जनसमूह। जनसमूह की भीड़ों में सबसे आगे आगे कंधों पर सवार होकर सैलानियों की भांति, सैलानी का अर्थ होता है घूमने फिरने वाले व्यक्ति, तो यह जन समूहों की कंधे पर सवार होकर सैलानियों की भांति यह अंतहीन सफर पर निकल चुके हैं। अब ये ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं है और न ही इसका कोई ठहराव है। तो यह अपने तमाम सफरों से भिन्न, यह अपनी अंतिम सफर पर जिंदगी के भीड़ भाड़ से और तनाव के माहौल से यह आगे निकल चुके हैं। अब यह जिंदगी भर पक्षियों के बारे में अध्ययन करते करते, पक्षियों के गीत सुनते सुनते, अब यह खुद पक्षियों की आखिरी गीत गाकर यह मौत के नींद सो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसाड़ों को वो प्रकृति की नजरों से नहीं आदमी की नजरों से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? शायद इन्हें यह पता होगा कि प्रकृति की ये सभी चीजें प्राणियों से पहले इस सृष्टि में आई है। उल्लेखनीय है कि वनस्पति जगत ने ही जंतु जगत की उत्पत्ति का सृजन का माहौल उत्पन्न किया होगा। प्रकृति से ही जीव जंतु संभव होता है, प्रकृति पे ही जंतुओं का जीवन आश्रित होता है। तो क्यों ना प्रकृति की नजर से ना देखकर उसे भी इंसान अपनी नजरों से देखते हैं और देखने की इच्छुक रहते हैं हमेशा। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता हुआ महसूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब हम प्रकृति के गोद में सुनसान जंगल में पक्षियों की सुमधुर आवाज सुनते हैं तो हमारा मन रोमांच हो उठता है, हमारा मन खुशी से झूमने लगता है। एहसास ही ऐसी है, एक उबर खाबर जमीन पर जन्मे मिथक नाम है सलीम अली। जिंदगी के
उतार चढ़ाव के बीचों बीच जन्मे ऐसी शख्स जिनका नाम है शालीम अली। उबड़ खाबड़ का अर्थ यहाँ जिंदगी के उतार चढ़ाव के अर्थ में है। तो एहसास ही ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक नाम है शालीम अली। जिंदगी के इस उतार चढ़ाव के बीचों बीच जन्म लेने वाले शालीम अली अब अपनी अंतिम शव यात्रा पे निकल चुके हैं। वह अब गहरी नींद में सो चुके हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और सिख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब मक्खन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सावला पानी उसे पूरी घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी बांसुरी की कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ एक ऐसी मिथ्या बात प्रस्तुत की गई है जैसे श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी रासलीला रचाए होंगे, गोपियों के बीच आकर वह शरारत किए होंगे, माखन चुरा कर खाए होंगे, माखन की भांडा बर्तन फोड़े होंगे। वह छोटे छोटे किंतु घने पेड़ के छांव में आकर विश्राम किए होंगे और वह इतनी सुमधुर स्वर में मीठे स्वर में बंसी बजाए होंगे कि सभी के दिल के धड़कन थम गई होगी, रुक गई होगी बंसी की आवाज सुनकर। वृंदावन की सारी वातावरण संगीतमय हो गया होगा। सूरज निकलने से पहले पतली गलियों से जो गोपियों की और ग्वालों की शोरगुल की आवाज आती रही होगी, क्या आज भी ऐसा हो सकता है? ऐसा मान्यता है कृष्ण जी ने जो वृंदावन में गोपियों के बीच रासलीला रचाई यह किसी भी प्रकार से कोई साक्ष्य नहीं है। बस एक किंवदंती है जो लोग सुनी सुनाई बात पड़ा पूर्व से कहते और सुनते आ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि कृष्ण के भांति ही क्या सलीम अली की भी वापसी होगा? वह फिर से इन छोटी सी जान नाजुक जानों की संगीतमय दुनिया को फिर से वह देख पाएगा? फिर से वह उस पक्षी को दुनिया को पढ़ पाएगा, परीक्षण कर पाएगा? तो ये बात लेखक यहाँ मिथ्या रूप में प्रस्तुत किए हुए हैं। लेखक तो यहाँ तक भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि गंगा जी यमुना जी की पानी जो काला हो गया था कालिया नाग की नाथने पर, तो वो अभी भी वहां देखने को मिलता है। ये सारी बातें बस एक सोच है, एक मिथ्या बात है, सुनी सुनाई बात है। ऐसा कुछ हुआ था नहीं हुआ था ऐसी किसी भी प्रकार की कोई वहां साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया है। तो कृष्ण के लीलाओं के भांति ही जाबिर हुसैन जी सलीम अली की भी जिंदगी की लीला बता रहे हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं।
उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान के कारण उनके शरीर कमजोर हो गया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिजाजत के प्रति समर्पित है। सलीम अली की आंखों में चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। जब से सलीम अली पक्षियों के बारे में अध्ययन और परीक्षण करना शुरू किए थे, तब से लेकर इनकी पूरी जीवन वह दूरबीन इनकी आंखों पर ही चढ़ी रही। ये मृत्यु के प्राप्त हो गए उसके बाद ही इनकी आंखों से वह दूरबीन हटी। यहाँ लेखक जाबिर हुसैन जी उनके व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किए हुए हैं। दुबली पतले काया के सलीम अली वह यात्रा करते करते लंबी यात्रा के दौरान वह काफी थक चुके थे, उनका शरीर भी कमजोर हो चुका था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के चपेट में आ जाने के कारण इनकी मौत हो गई थी और मौत के बाद ही इनकी आंखों के ऊपर से वह दूरबीन हटा था। उन जैसा वर्ल्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन को भी देखे गए हैं। दूर छीते तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरों में बांध लेता है। सलीम अली जैसे बर्ड वॉचर का अर्थ होता है पक्षी के बारे में अध्ययन करने वाले, तो शायद ही इनके जैसे बर्ड वॉचर कोई भी दुनिया में हुआ हो। यह एकांत में रहकर अपनी फुर्सत को क्षणों को दूरबीन के माध्यम से दूर बैठे फरिंदों के बारे में यह अध्ययन करते थे, परीक्षण करते थे। और यह दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली नजरों को कुछ कुछ ऐसे ही जादू था। यह अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाकर वहां तक देखते थे जहां जमीन और आसमां की मिलन होती है, यानी अंतिम क्षितिज तक, अंतिम सीमा तक यह उस दूरबीन के माध्यम से पक्षियों को देखते थे और उसके बारे में अध्ययन और परीक्षण करते थे जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। इनकी जीवन संगिनी तहमीना इनके इस सफर में काफी मददगार साबित हुई। यह सिर्फ इनकी जीवन संगिनी ही नहीं बल्कि इनकी क्लास की सहपाठिनी भी रही थी। क्लास में भी या कक्षा में भी यह साथ साथ पढ़ी थी और इनकी जिंदगी के इस सफर में वह काफी मदद भी पहुंचाई थी। सलीम अली प्रकृति की रंगों से नहीं रंगे बल्कि इन्होंने प्रकृति को अपने रंगों से रंगना चाहा। वह प्रकृति की इस रहस्य भरी दुनिया को जानना चाहा, उस रहस्य को लोगों के बीच उजागर करने की कोशिश करते रहे ताउम्र। बर्ड वॉचर का अर्थ पक्षियों को खोजने, पक्षियों के बारे में अध्ययन करने तथा उनके बारे में परीक्षण करना होता है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा को झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर
चौधरी चरण सिंह से मिले थे, वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण को संभावित खतरों को जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। सलीम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए यह प्रयोजन लेकर वह प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसान परिवार से संबंधित थे, इसलिए उन्हें मिट्टी की परख थी। वह तपती हुई धरती पर पड़ने वाली पहली बूंद की खुशबुओं को वह जान लेते थे। यहाँ पहले बूंद की असर के जानने का मतलब है वह धरती तपती हुई धरती पर पड़ने वाली उस पहली बूंद से पृथ्वी मिट्टी कितने हर्षित होता था, उस खुशी को वह एहसास करने वाले नेता थे। वह सलीम अली द्वारा कहे गए बातों पर उन्होंने गौर किया और पर्यावरण के रक्षा के लिए उन्होंने उस समय उसकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश चौधरी चरण सिंह ने किए और यथाचित यथासंभव सहायता की बात उन्होंने आगे बढ़ाई और वनस्पति और जीव जंतु को संभावित खतरे तथा विनाश से बचाने की पूरा प्रयास किए और केरल की साइलेंट वैली पर आने वाली रेगिस्तानी हवा के झोंकों से पक्षियों के बचाने के लिए जो अनुरोध सलीम अली ने किया था, उसके ऊपर भी इन्होंने संभवतः जो भी सहायता बन पड़ा, इस सहायता के लिए वह परखड़ रहे, तैयार रहे। सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? वह कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात हिमालय की बर्फीली हवा, लद्दाख की बर्फीली हवाओं में जीने वाली पक्षियों को देख रेख करने वाला अब कोई नहीं बचा है और न ही मिट्टी पे पड़ने वाली पहली बूंद की सौंधी मिट्टी की सुगंध को सूंघकर पहचान लेने वाले व्यक्ति ही कोई बचे हैं जो इसका संरक्षण कर सके, रक्षा कर सके। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ एस्पैरो। फॉल ऑफ एस्पैरो का हिंदी अर्थ होता है गुड़ैया का पतन। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा गुड़ैया का पतन। मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रिंडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रिंडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गुड़ैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वे सचमुच इतना खुला खुला और सदा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गुड़िया इसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। पति की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी फ्रिडा लॉरेंस काफी व्यथित थी, दुखी थी।
एचडी लॉरेंस को प्रकृति से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वह हमेशा प्रकृति से सूक्ष्म बातों को जानकारी हासिल करते थे। जब लेखक ने यह जानने की कोशिश की उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस के, तब उनकी पत्नी अपनी पति की मृत्यु से इतनी व्यथित थी कि उनके लिए कोई शब्द ही नहीं था। उनकी खुला हुए जीवन के बारे में वर्णन करना उनके लिए असहनीय था। पति से बिछड़ने के बाद पत्नी के लिए वह पीड़ा बहुत ही असहनीय हो जाता है, यह स्वाभाविक सी बात है। तभी फ्रीडा कहती है कि शायद मैं जितना बयान ना कर सकूं, वर्णन ना कर सकूं, उससे कई ज्यादा हम दोनों के बारे में मेरी छत के ऊपर बैठी गुड़ैया शायद वर्णन कर सकेगी। वह खुले दिन इंसान थे, उन्हें प्रकृति से इतनी लगाव थी, इतनी प्यार था कि इस प्रकृति की हर जीव जंतु उनके बारे में वर्णन कर सकते हैं और शायद मुझसे बेहतर वर्णन कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा जानकारी ये प्रकृति के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे रखते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गुड़िया सारी जिंदगी उन्हें खोज रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। यहाँ जटिल प्राणी मनुष्य को, इंसान को कह रहे हैं लेखक। इंसान आमतौर से वह किसी भी चीजों को गहराई से नहीं परखना चाहता है, नहीं देखना चाहता है। जैसे कि अमेरिका की नेत्रहीन, दृष्टिबाधिर और मुखबाधिर हेलन केलर ने एक बार कही थी, जो देख करके भी नहीं देखते, अर्थात जिनके पास क्षमता होती है देखने की, सुनने की, बोलने की, वह देख कर भी नहीं देखते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो यहाँ भी लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए यह हमेशा इनकी जीवन एक रहस्यमय बना रहेगा, एक पहेली बना रहेगा, क्योंकि इंसान जानने की ही कोशिश नहीं करता, बशर्ते कि पक्षी उनको बड़े करीब से जाने थे। यदि हम पक्षी से पूछे तो सलीम अली के जिंदगी के बारे में वह बयां कर सकता है। लॉरेंस से पूछे, लॉरेंस के बारे में अगर प्रकृति से पूछे तो शायद प्रकृति लॉरेंस की जीवन की हर व्यथा को वर्णन कर सकेगा, लेकिन इंसान उनकी जीवन को वर्णन नहीं कर सकेगा। इंसान के लिए उनकी जीवन एक पहेलियों की भांति हमेशा उलझा हुआ है। बचपन में जब इनके मामा सलीम अली को खेलने के लिए एक एयर गन दिए थे, उस एयर गन से सलीम अली ने बचपन में गुड़ैया को घायल कर दी थी। उस घटना ने ही इन्हें आजीवन पक्षियों का सच्चा मित्र और संरक्षक बना डाला। उस दिन को याद कर उनके हृदय में एक टीस सी उठती थी। तभी से उन्होंने यह प्रेरणा ली और पक्षियों के संरक्षक बन गए। वह पूरे जीवन इसी क्षेत्र में अडिग रहे। कभी भी इनका पूरे जीवन पैर नहीं डगमगाया। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उमड़े थे, जो लोग उनके ब्रह्मशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें मालूम होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौटेंगे। अर्थात लेखक यहाँ यह कह रहे हैं कि सलीम अली के जिंदगी से जो भी प्रभावित थे, उनका मानना है कि सलीम अली इस दुनिया को छोड़ करके नहीं गया है, वो आज भी एक लंबी सफर पर निकला है और वह पक्षियों की खोज कर रहा है, पक्षियों के
संरक्षक बने हुए, उसके अध्ययन के लिए वह निकले हुए हैं। वह अपनी आंखों पे दूरबीन लगाए हुए, अपनी गले में दूरबीन को लटकाए हुए वह लौट आएंगे। शालीम अली को एक टापू ना मानकर उनके चाहने वाले उन्हें अथाह सागर नाम दिए हैं। टापू का अर्थ होता है कुछ निश्चित स्थल। वैसी जगह को टापू कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच का कुछ ही स्थल जमीन हो। लेकिन वह सिर्फ एक टापू ना होकर के सलीम अली का जिंदगी एक सागर था, अथाह सागर, जिसका कोई क्षितिज नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सलीम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक को इनकी मृत्यु से काफी आघात पहुंचा है, काफी दर्द पहुंचा है। तो ये आज भी सलीम अली लौट आएंगे, ऐसा इनका मानना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूं जाबिर हुसैन जी का यह डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।